हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल यानी कि दशमलव। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इसमें हम पहले तो बेसिक जानकारी याद रखेंगे कि दशमलव होती कितने प्रकार की है। तो दशमलव होती है दो प्रकार की, एक तो होती है शांत दशमलव और एक होती है अशांत दशमलव। ठीक, एक होती है शांत दशमलव और एक होती है अशांत दशमलव। शांत दशमलव होती है ना, तो वह एक प्रकार की होती है। ठीक है, शांत दशमलव जैसे मान लो 1.6 है तो ये शांत हो गया, यानी भाग पूरा पूरा चला गया तो 1.6 आ गया, ये है शांत दशमलव। और अशांत दशमलव भी दो प्रकार की होती है, एक होती है अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती। आवर्ती यानी इसमें अशांत तो है लेकिन उसमें क्या हो रहा है, आवर्ती हो रही है। और एक होती है अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब है अशांत है और आवर्ती भी नहीं हो रही है। जैसे जैसे हमने लिखा 1/3 लिखा, तो इसमें अगर अपन भाग देती है तो इसका 3-3 अंक बार बार आता है, तो इसमें रिपीटेशन किसका हो रहा है, 3 का रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, मतलब ये शांत भी नहीं हो रहा है और इसका रिपीटेशन भी हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे अशांत आवर्ती दशमलव। और इसे बोलेंगे जैसे कि ये आ गया और ये ऐसे चलता ही जा रहा है, कुछ ये चलता ही जा रहा है और ये कैसा है, अशांत है और आवर्ती भी नहीं है, कैसा है, अनावर्ती है। तो ये होता है अनावर्ती अशांत दशमलव। तो दशमलव दो प्रकार की, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत दशमलव भी दो प्रकार की, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। ठीक है, तो आज हम इस वाले दशमलव को सॉल्व करना सीख रहे हैं। अशांत आवर्ती दशमलव को आप कैसे सॉल्व करोगे, जो कि वनडे एग्जाम में आपके लिए बार बार पूछा जाता है। जैसे आपके लिए आ गया कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इसके लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला बताने वाले हैं। आप ये याद रख सकती हैं कि संख्या माइनस नॉन रिपीटिंग अपॉन रिपीटिंग के लिए 9 रिपीटिंग के लिए 9 और नॉन रिपीटिंग के लिए 0। और 0 किसके लिए, दशमलव से दाईं ओर के लिए, दशमलव से दाईं ओर के लिए, दाईं ओर के लिए। ठीक, आपके लिए देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये और फॉर्मूला हमने ये रख दिया है। ठीक है, इसका एक बेसिक मेथड भी होता है लेकिन उससे आपको सवाल नहीं करना, आपको इसे से करनी है। संख्या माइनस नॉन रिपीटिंग अपन रिपीटिंग के लिए 9 और नॉन रिपीटिंग के लिए 0, वो भी दशमलव से दाईं ओर के लिए, आपको ये समझना है। अब दशमलव से दाईं ओर के लिए जैसा अपन सवाल करेंगे उसमें अपन सीखेंगे। सबसे पहले क्या है संख्या, संख्या माने दशमलव मतलब सब छोड़ दो, रिपीटिंग भी छोड़ दो, सबकी संख्या लिख लेंगे पहले, पूरी संख्या लिखो 67 लिख दिए। और क्या है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या, रिपीट ये हो रहा है, नॉन रिपीटिंग क्या है, 0 है, इसकी जगह पे हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये अच्छा रहेगा। अब इसमें क्या है नॉन रिपीटिंग क्या है, 1 है, इसको क्या करना है, माइनस करना है। अपॉन रिपीटिंग के लिए क्या 9 है, रिपीटिंग क्या हो रहा है, 2 अंक, 1 और 2, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो क्या रखेंगे, 2 9 रखेंगे, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो नीचे क्या रखेंगे, 2 9 रखेंगे। और नॉन रिपीटिंग के लिए क्या है, 0 है, दशमलव से दाईं ओर के लिए, ये दशमलव है दाईं ओर के लिए, कितना नॉन रिपीटिंग है, 1 नॉन रिपीटिंग है, इसके लिए क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। देखो नॉन रिपीटिंग है, 0 लगाएंगे इसके लिए, दशमलव से दाईं ओर के लिए, इस साइड के लिए नहीं, इस साइड के लिए लगाएंगे। ठीक है, तो आप इसको घटाओ, 67 में से 11 कितना बचा, 66 बचा, और यहाँ पे क्या आ गया, 89 आ गया। अब इसको अपन काट भी सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 3 6, 2 4 8, 1 19 हो गया, 2 9 18, 2 5 10, ये आ गया आपका 495। इससे आप और भी काट सकते हो, हाँ 3 से काट सकते, 3 एकम 3 और 3 6 18, 3 5 15, ये आपके यहाँ कुछ हो गया। अब इसको आप 11 से भी काट सकते हो, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 5 55। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया 1/15। ठीक, तो इस प्रकार आप इस फॉर्मूले की मदद से
किसी भी रिपीट वाली ये 12 वाली संख्या को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।